हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम बनाने वाले हैं एक मल्टीपल हाइड्रोलिक पाइप, जो कि उसके सेक्शन सब अलग अलग हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इनपुट सेक्शन ये दो है और ये आउटपुट है, और मेन आउटपुट ये वाला भाग है जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसका 2D ड्राइंग आपको देखना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी लिंक दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे राइट प्लेन, और एक सेंटर लाइन हमको क्रिएट करनी है यहाँ पे। इसकी लेंथ रहेगी 120 mm। फिर से लाइन टूल सिलेक्ट करेंगे, इस बार बॉटम की साइड में लाइन को हमें क्रिएट करना है। इसकी हाइट रहेगी 30 mm। फिलेट 15 mm। यस, ओके। मिरर एंटिटी, इससे पहले एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेंगे हम। मिरर कोई भी करना है उसके लिए एक सेंटर लाइन होना जरूरी है स्केच में। तो मिरर, फिलेट एंड लाइन, मिरर अबाउट दिस लाइन, ओके। इसे हम क्लोज कर लेंगे। फ्रंट प्लेन, फ्रंट प्लेन क्रिएट करना है, फिर से वही डायमेंशन हमें क्रिएट करना है, मिड पॉइंट एंड क्रिएट लाइन। इसका भी डायमेंशन रहेगा 120 mm लेंथ। इस बार हमें लाइन क्रिएट करनी है ऊपर की साइड में। इसकी हाइट रखनी है हमें 45 mm। फिलेट फिर से 15 mm। यस, मिरर, दिस फिलेट एंड लाइन अबाउट दिस लाइन, ओके। इसे भी क्लोज कर दीजिए। इस बार हमें सिलेक्ट करना है प्लेन, प्लेन क्रिएट करेंगे तो इसके लिए फर्स्ट रेफरेंस होगा हमारा फ्रंट प्लेन, एंड सेकंड रेफरेंस होगा राइट प्लेन। तो ये देखिए, इनके जस्ट बीचों बीच हमारा प्लेन क्रिएट हो चुका है। एडिट, स्केच को हाइड कर देते हैं। फिर से लाइन क्रिएट करेंगे, इसकी भी लेंथ रखेंगे 120। फिर से लाइन आपकी ऊपर की साइड में लाइन क्रिएट करेंगे, इसकी लेंथ रहेगी सेम, वही प्रोसेस, वही डायमेंशन हमें अप्लाई करने हैं जो प्रीवियस स्केच में हमने किए हैं। फिलेट, यस, ओके। सेंटर लाइन करेंगे हम मिरर करने के लिए, मिरर दिस लाइन एंड दिस फिलेट अबाउट दिस लाइन, क्लोज।
फिर से प्लेन क्रिएट करेंगे, सेम प्रोसेस, फ्रंट प्लेन, फर्स्ट रेफरेंस फ्रंट प्लेन, सेकंड रेफरेंस राइट प्लेन, लेकिन इस बार हमें फ्लिप साइड ऑफसेट, इसको आपको सिलेक्ट करना है, फ्लिप साइड ऑफसेट, ओके, एडिट, स्केच हाइड कर देते हैं हम, लाइन, मिड पॉइंट, वन ट्वेंटी एम एम, फोर्टी फाइव हाइट, और फिलेट वही जो पिछली बार हमने फिलेट अप्लाई किया था, 15 mm, यस, मिरर, दिस लाइन एंड दिस फिलेट अबाउट दिस लाइन, ओके, ओके, इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब हमारे जितने भी स्केच है उनको अनहाइड कर देते हैं ताकि वो साफ साफ दिखे किस तरह का हमारा स्केच क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, अब इनको एक एक करके हमें स्विफ्ट बॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम अप्लाई करेंगे स्विफ्ट बॉस बेस, स्केच प्रोफाइल की जगह हमें सिलेक्ट करना है सर्कुलर प्रोफाइल, और इसका डायमेंशन रहेगा 20 mm, एक एक वन बाय वन इसको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से स्विफ्ट बॉस बेस, सर्कुलर प्रोफाइल, डायमेंशन 20 mm, ओके, तो इसके सारे स्केच हाइड कर देते हैं हम। तो हमारा ये मॉडल तैयार हो चुका है। अब इसको हम इसमें जो इसकी वॉल थिकनेस है वो हमें अप्लाई करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेल कमांड में, सेल कमांड में जाके हमें इसकी वॉल थिकनेस रखनी है 1.5 mm, और इसकी जितनी भी फेस एंड फेस है उन्हें सिलेक्ट करना है, और फिर सिर्फ ओके कर देना है। तो देखिए हमारी पाइप क्रिएट हो चुकी है, आप सेक्शन व्यू में जाके भी इसको देख सकते हैं। इसके सारे जो भी सेक्शन है वो सब उसकी वॉल थिकनेस
1.5 की हो गई है। तो चलिए अब इसके आगे हम प्रोसेस करते हैं। बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हेक्सागोनल हमें हेक्सागोनल हम स्केच क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और इसकी साइज रहेगी 22 mm। ओके। और ये बीच वाला इसका जो भाग है होल वाला, उस लाइन को सिलेक्ट करके हम उसको कन्वर्ट एंटिटी में क्रिएट करेंगे। फीचर में जाना है एंड एक्सट्रूड बॉस बेस, इसकी हाइट रहेगी 8 mm। फिर से इसकी फेस सिलेक्ट करनी है, इसकी साइज रखनी है 20 mm। इसकी साइज रहेगी। फिर से कन्वर्ट एंटिटी, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस, इसकी हाइट रहेगी 15 mm। राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ग्रूव करना है हमें। तो ग्रो के लिए हम पहले सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारी इस फेस से, इस लाइन से, इस ये पॉइंट, इसकी लेंथ रहेगी 1 mm। एंड हाइट 3.5 mm। सिंपल इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इस लाइन को सिलेक्ट करके ये मेक कोलिनियर। फीचर में जाना है और रिवॉल्व कट, तो ये कट कुछ इस तरह से दिखेगा आपके सामने। चैम्फर चैम्फर हम क्रिएट करेंगे 0.5 mm आउटर एज। अब हमें होल विजार्ड में जाके थ्रेड क्रिएट करने हैं। तो थ्रेड लोकेशन क्या रहेगी हमारी, हमारी थ्रेड लोकेशन ये रहेगी आउटर एज, और यहाँ पे ऑफसेट रहेगा 3 mm। ऑफसेट इसलिए अप्लाई कर किया जाता है कि ये बाहर से इसके थ्रेड जो है वो कट होके जाएंगे अंदर, तो यहाँ पे क्लियरली आपको रियल थ्रेडिंग, मतलब यहाँ से इसकी एज छूट ना जाए, उसके लिए हम ऑफसेट कर रहे हैं। मैं आपको ऑफसेट, बिना ऑफसेट के भी दिखा दूंगा कि किस तरह से होता है। तो अभी मैं इसको ऑफ रखता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये अपन हमने यहाँ पे थ्रेड अप्लाई की है 16 mm, जिसकी लेंथ है मैट्रिक डाई, आउटर
आउटर डायमीटर पे जब थ्रेड अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मैट्रिक डाई का यूज होता है, 20.20 by 1.5 इसके थ्रेड है एंड ओके। तो देखिए ऑफसेट नहीं किया हमने, ऑफसेट अप्लाई नहीं किया तो इस तरह से ये थ्रेड यहाँ से छूट जा रहा है। तो फिर से थ्रेड एडिट, ऑफसेट और लेंथ इसकी 16 mm है तो सिर्फ मेंटेन थ्रेड लेंथ करना है। इसकी लेंथ थोड़ी कम कर देते हैं, यहाँ फेस के ऊपर भी इसके आटे अप्लाई हो गए हैं तो 15 mm हम यहाँ पे 13 mm, ओके दिस इज बेटर। देखिए इस तरह से ये थ्रेडिंग क्लियरली हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये सारे जो भी हमने फीचर्स, जो भी टूल्स हमने, जो भी मतलब थ्रेड वगैरह यहाँ पे अप्लाई किए हैं, इसको हम सिंपली इस साइड में भी लाना है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर, मिरर अबाउट फ्रंट प्लेन एंड फीचर बॉस, बॉस एक्सट्रूड टू कट रिवॉल्व चैम्फर और थ्रेड और सिंपल इसको ओके कर देना है। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच कन्वर्ट एंटिटी, अंदर वाला होल है इसको भी कन्वर्ट एंटिटी में क्रिएट करेंगे, सिंपली इसको एग्जिट कर देना है। सिलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन, सिलेक्ट लाइन, थ्री पॉइंट आर्क सिलेक्ट करेंगे, इसकी रेडियस रहेगी 40 mm, और एक लाइन क्रिएट करेंगे, इसकी लेंथ रहेगी 25 mm। फुली डिफाइन स्केच एंड कैलकुलेट, ओके इसे क्लोज कर देते हैं। तो हम जाएंगे अब स्विफ्ट बॉस बेस में, स्विफ्ट बॉस बेस एक्टिवेट करेंगे तो हमारी प्रोफाइल है फर्स्ट, प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है फर्स्ट और सेकंड पाथ, तो ये हमारा पाथ एंड देन ओके। देखिए एक कर्व पाइप क्रिएट कर दिया है हमने यहाँ पे,
सिलेक्ट फ्रंट फ्रंट प्लेन, एडिट, यहाँ पे हमें कुछ कट लगाने हैं जिसमें यहाँ पे प्लास्टिक की पाइप यहाँ पे फिटिंग होने वाली है, रबर पाइप या प्लास्टिक पाइप। फिर से एक लाइन क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे स्केच क्रिएट करेंगे। सिंपली आपको फर्स्ट लाइन होल्ड कंट्रोल की और ये चारों लाइन सिलेक्ट करनी है, मेक रिलेशन इक्वल। और इसकी लेंथ रहेगी 5 mm। Select this line and this taper degree 10 degree, इसकी 10 degree रहेगी। और इसको हमें select करना है इन line को और parallel। यहाँ से इसकी लंबाई रहेगी 5 mm। अब ये पैरेलल लाइन है, इसको भी हमें सिलेक्ट करना है एंड मेक रिलेशन इक्वल। अब इस स्केच को हम क्लोज कर देते हैं। सिंपली आपको फीचर में जाना है एंड देन रिवॉल्व कट, ओके। फिर से थ्रेड में जाएंगे, होल विजार्ड में थ्रेड,
वाली एज हम सिलेक्ट करते हैं, इसका भी सेम प्रोसेस है, फेस ऑफसेट, इसकी लेंथ है 15 mm, मेंटेन थ्रेड लेंथ, ट्वेंटी बाय 1.5। ओके, फिर से होल विज़र्ड में थ्रेड, सिलेक्ट दिस फेस, सिलेक्ट दिस एज एंड ऑफसेट, सब कुछ एज इट इज रखना है हमें, सिर्फ वन बाय वन हमें थ्रेड क्रिएट करने हैं, सिलेक्ट दिस एज, ऑफसेट, रिवर्स, मेंटेन थ्रेड लेंथ, ओके, होल विज़र्ड थ्रेड, सिलेक्ट दिस सर्कुलर एज, ऑफसेट, मेंटेन थ्रेड, ओके, अगेन थ्रेड, सिलेक्ट दिस सर्कुलर एज, ऑफसेट, मेंटेन थ्रेड, ओके, तो इस तरह से देखिए हमारा हाइड्रोलिक पाइप सेक्शन तैयार हो चुका है। फिलेट अप्लाई करेंगे 2 mm, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, अपीयरेंस सेट करेंगे स्टील, दिस इज द बेटर लुक वाइज, कलर थोड़ा सा और लुक वाइज अच्छा देखे। इसके लिए हम इसके मटेरियल जो थ्रेड वगैरह है वो क्लियरली हमें शो हो, उसके लिए हम थोड़ा इसको भी एडिट कर देते हैं।
देखिए हमारा हाइड्रोलिक पाइप सेक्शन तैयार हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया कंपोनेंट लेके, कुछ नई डिज़ाइन लेके। तब तक के लिए गुड बाय।